हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू ऑल आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रिय सर विद्यापीठ। फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स होते हैं, देखो लाइफ में एक चीज़ बताई जाती है कि जब तक आप गिरते नहीं हो तब तक आप सीखते नहीं हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हर बार गिर के सीखना ही जरूरी नहीं है। अगर किसी को पहले से पता है कि भाई यहाँ पे आप गिर सकते हो और वो आपको गाइडेंस दे रहा है कि बेटा यहाँ पे जाने से आप गिर सकते हो, तो उसके गाइडेंस को फॉलो करके आपको गिरे बिना कुछ ना कुछ चीजें सीखनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी गिरना भी आपको लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। आप बोलोगे सर कैसा नुकसान? मान लो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आई नो कि आप सबका बहुत इतना ध्यान नहीं है क्योंकि दो बार आप प्रमोशन से आए हो। इलेवंथ में भी प्रमोशन मिला है, ट्वेल्थ में भी प्रमोशन मिला है, खाली आपने गुडसेट की एग्जाम दी है, पूरे दो साल आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है, कहीं पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बहुत कम था और अब सीधे कॉलेज में आए हो। गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का ही पहले मन नहीं है, सभी चीजें इंग्लिश में है और बहुत हवा में हो क्योंकि मास प्रमोशन जो मिला है उसमें आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिले, तो वो आपके खुद के मार्क्स नहीं, वो आप सबको पता है। तो एक चीज बेटा यहां पे आप याद रखो कि फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही आप आते हो तो इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आता है वो ऑन एन एवरेज 36% आता है। मतलब 100 स्टूडेंट अगर एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें से 36 स्टूडेंट पास होते हैं, जिसको हर एक सब्जेक्ट में पास बोला जाता है। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट में भी फेल हो तो आप फेल ही कहलाते हो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, आप फिजिक्स में फेल हो तो ट्वेल्थ में फेल ही कहलाओगे। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में ही फेल हो, आप पूरे रिजल्ट में फेल ही बोले जाओगे। तो ऐसा सेम टू सेम इंजीनियरिंग में भी है, अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आप फेल ही कहलाओगे। आपको पहले तो इंग्लिश का ही प्रॉब्लम है अगर गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट है, कैसे लिखना कुछ नहीं पता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही चीज बताने आया हूं कि आप क्या कर सकते हो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले 4 साल में हमारी चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाली है। वो चाहे आपकी यूनिवर्सिटी के सर्कुलर हो, कोई अपडेट हो, कोई न्यूज हो या फिर कोई स्टडी मटेरियल हो। और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना क्योंकि उनको भी ये सभी चीजों की यहाँ पे जरूरत होती है। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे इंस्टेंट अपडेट के लिए प्रिय सर विद्यापीठ सेम नाम से हमारा अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। तो पहली चीज, फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है उनको सबसे टफ सब्जेक्ट आता है मैथ्स। हमने मैथ्स के फ्री लेक्चर शुरू किए थे आज से 3 वीक पहले, उसमें हमने 4 ईयर सीरीज से शुरुआत की थी जिसका एक सम पेपर में 7 मार्क का आता ही आता है, कभी 10 मार्क तक भी पहुंच जाते हैं 7+3 करके। तो उसके 4 लेक्चर हुए हैं और 4 लेक्चर में मैंने ट्राई किया है कि 4 ईयर सीरीज की जितनी भी मेथड्स है वो सब कवर करवाए। तो मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में 4 ईयर सीरीज कहां पे कैसे शुरू हुआ है। तो जैसे ही आप यूट्यूब में जाओगे, हमारी इस चैनल के ऊपर जाओगे, ये चैनल रही हमारी प्रिय सर विद्यापीठ, इस चैनल में आप जैसे ही गए, इस चैनल में अंदर जाने से आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा 4 ईयर सीरीज इंजीनियरिंग मैथ्स। 4 ईयर सीरीज इंजीनियरिंग मैथ्स ओपन करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट तो डाल ही रहा हूँ, डोंट वरी, आप यहाँ से चारों 4 ईयर सीरीज के लेक्चर देख पाओगे। टोटल 4 लेक्चर हुए हैं, दूसरा लेक्चर था वो पार्ट 1 एंड 2 में डिवाइडेड, टेक्निकल एरर की वजह से वहां पे लाइव क्लास बंद हो चुकी थी। तो 4 ईयर सीरीज, अब इसमें मैंने जो लिखा है उसकी नोट्स आपको कहां से मिलेगी? तो मैं आपको बताता हूँ, हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में प्रिय सर विद्यापीठ सेम नाम से अवेलेबल है, ऐप स्टोर में माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक है। जैसे ही आप हमारी एप्लीकेशन में जाओगे, उसमें स्टडी मटेरियल में जाओगे, यहाँ पे साइड में आपको मोबाइल व्यू में दिखेगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में आप जैसे ही गए उसमें इंजीनियरिंग में जाओगे, इंजीनियरिंग के बाद डिग्री इंजीनियरिंग में जाओगे, फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांच में जाओगे, तो आपके सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट तो आपको मिलने ही वाले हैं। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस है, PYQ है, लेकिन इसमें आपको जाना है मैथ्स के अंदर। मैथ्स 1 में जैसे ही आप जाओगे तो एक आपको फोल्डर दिखेगा 4 ईयर सीरीज का, उस फोल्डर में जाओगे तो नोट्स में जाओगे तो ये देखो लेक्चर वाइज सारी नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। चारों लेक्चर हुए, चारों लेक्चर का जो हमने क्लास में पढ़ाया था, मैं एक नोट्स ओपन करता हूँ, ये हमारे क्लासरूम के नोट्स जो हमने क्लास में पढ़ाया था उसकी नोट्स हमने यहाँ पे अपलोड की है, ये आप डाउनलोड भी करके इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, कौन से सम की? तो हर एक लेक्चर वाइज हमने DPP दी है, मान लो ये DPP 1 है तो DPP 1 विद सॉल्यूशन आंसर है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इसके आंसर भी चेक कर सकते हो। और मोस्टली GTU के PYQ ही हमने यहाँ पे ट्राई किया है कि आपको GTU के PYQ करवाए। सेम टू सेम बाकी के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। हमारा ट्राई ऐसा है कि आपके जो सब्जेक्ट्स है उसमें से 2-3 सब्जेक्ट का वीडियो कोर्स भी हम बना के हमारी एप्लीकेशन में लेने वाले हैं और उसमें बहुत नॉमिनल फीस रखने वाले हैं। एक तरफ आपका मैथ्स बहुत फ्री में चल रहा है, सामने अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट आपको सीखने तो नॉमिनल फीस में भी आप वहाँ पे हमारे साथ सीख सकते हो। तो ये टाइम है, अगर आपकी कॉलेज में कुछ नहीं पता चलता है, इंग्लिश में पूरा बोलते हैं, हमने ये लेक्चर्स लिए वो हिंदी में लिए हैं, तो गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट को भी हिंदी में पता चलेगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी हिंदी में पता चलने वाला है और बहुत बेसिक से सारी चीज़ें सिखाई है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करने के लिए दे दिया हो, फ्री लेक्चर्स है तो फ्री जैसा हमने नहीं सिखाया है ये प्लेटफॉर्म पर। अभी आगे वहाँ पर मैट्राइसिस चैप्टर भी शुरू होने वाला है तो वो भी हम करवाने वाले हैं।
अब आप बोलोगे सर ये वीडियो आते कहां से, हमें पता कैसे चलेगा कि कब वीडियो है, तो टेलीग्राम हैंडल प्रिय सर विद्यापीठ में मैं इंस्टेंट लिंक तो डाल देता हूं उसकी एडवांस में, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है फ्री मैथ्स का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी भी लिंक दे रहा हूं, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाओगे तो सभी अपडेट्स आपको वहां से आराम से मिल जाने वाली है। तो बाकी के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें वो सब भी वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अब बहुत जल्दी ही आपकी मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आएगी। मैंने एक वीडियो बनाया था मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन और जीटीयू की एग्जामिनेशन आपकी फर्स्ट ईयर की कब होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिंक डाल रहा हूं, वो भी आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना शुरू करना, वरना जब फर्स्ट सेमेस्टर में एटी केटी आएगी फिर आप ऐसा मत बोलना कि सर एटी केटी आ गई, या फिर मैं पहले से मुझे पता होता तो मैं ये नहीं करता वो नहीं करता। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई क्या आपको करना है क्या नहीं करना है वो अब आपको डिसाइड करना है। इंजीनियरिंग में रिजल्ट 100 में से 36% के आसपास आता है, उतना मान के चलना। और इंजीनियरिंग इजी नहीं है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में जितना कॉलेज को दिखाते हैं ऐसी कॉलेज लाइफ नहीं होती है। मैं आपको हर बार बोलूंगा कि ऐसी कॉलेज लाइफ आपकी नहीं होती, यहाँ पे मेहनत भी है, एंजॉयमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन एग्जाम भी अपनी लाइफ का एक पार्ट है, वो भी आपको पास करना ही होता है। तो वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अभी भी आपके कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, हमारी टीम आपको श्योर रिप्लाई देगी। मिलते हैं ऐसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो में या फिर मैट्रिक्स के लाइव सेशन में। टिल दैट बाय, टेक केयर।